कहा कि वो उनको रोज खुजली वाला कुत्ता ओके देखा तो उनका कहना है कि वो उनको रोज काटता था। क्या हुआ अभी क्या कर रहे हो? हाय मैं कैसी लग रही हूँ? अरे भाई मैं कैसी लग रही हूँ? इतनी गंदी लग रही हूँ। जी बोलिए। आइए पति पत्नी की कहानी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? पति पत्नी की कहानी सुनेंगे। एक था राजा एक थी रानी। नहीं नहीं हाँ एक था राजा इसको क्या अभी मेरी फ्रेंड एक कहानी बताएगी मेरी लाइफ के बारे में सुनिए। जिसकी लाइफ जिसकी कहानी उसी के मुंह से काफी अच्छी लगती है प्लीज। अगर उसे अच्छा कुछ और कहानी सुनाते हैं? नहीं नहीं कहानी नहीं वही सुनना है। नहीं वो भूल गए। नहीं नहीं पहले वही कहानी याद नहीं आ रही। पहले वही कहानी सुनी थी। राशि जी आज बहुत लश कर रही है हमको सुनना है। नहीं 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 मेरी मेरी कहानी है। मैंने इनको बताई है या अभी बताई है? प्लीज मेरी कहानी है। हाँ मैं क्वीन हूँ। नाही तसं काही नाही होत। कोणाचं नाही आपलं आपण आपलं करायचं। मेरी कहानी आप बताइए। मेरी दोस्त मेरी प्यारी दोस्त मैं माँ एक है मालकिन और एक डॉगी की कहानी बोलो। राखी का कहना है कि बोला ना तुम्हें अगर तू बोल त्यात काय वाईट नाही है अगर तसं काही नाही होत बोल। दिल की बातें दिल में मत रखो भैया। हाँ, कर दो। हाँ, आपको तो सबकी दिल की बात आपके पास चैनल पे ही चाहिए। हाँ बता दो। चलो कुछ और बात करें। नहीं नहीं, 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 नहीं अभी लोगों को तो जानना है ना। अभी ब्लश कर रहे हो कुछ तो बात आपने बोल दिया। नहीं मालकिन एक मालकिन है। मालकिन ने एक ऐसा राखी का कहना है कि उन्होंने एक पेट रखा हुआ था। कुछ नाम दिया था आपने उसको? अच्छा बिना नाम का था वो। तो राखी ने कहा कि वो उनको रोज खुजली वाला कुत्ता ओके देखा तो उनका कहना है कि वो उनको रोज काटता था रोज काटता था बहुत काटता था। ऐसे जख्म आते थे उसमें मरहम लगाती थी जख्म नहीं मिटते थे। फिर भी राखी रोज कोशिश करती थी कि मैं इसे प्यार दूं ताकि ये ना काटे ये इतना अग्रेसिव ना हो। आगे इंजेक्शन दिए दवाइयाँ दी फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक दिन राखी बहुत तंग आई इतना काट काट के मेरे बुरे हाल कर दिए। उसको बहुत पैम्परिंग मिलती थी बहुत ज्यादा पैम्पर करते थे और इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी हाथों से लेकिन बहुत ज्यादा चर्बी आ गई थी। तो एक दिन ऐसा आया राखी ने सोच लिया एक दिन तो मुंह पे ही काट लिया। पहले हाथ पैर पे काटता था एक दिन तो मुंह पे काट लिया। उस पे कौन सा मरहम लगाया आपने? मरहम नहीं लगाया। तो फाइनली बीएमजी की गाड़ी राखी को किसी ने सलाह दी कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो राखी ने वो किया वो बताइए। राखी वो डॉक्टर कौन बना जिसने आपको सलाह दी? वो डॉक्टर को नाम रहने दीजिए छुपा हुआ ही रहने दीजिए। बीएमजी की गाड़ी बुलाई और कभी डॉग कैसे काट लेते बच्चों को सबको कैसे काट लेते कभी कभी डॉग कभी अपने वो पागल हो जाते हैं। वैसे आई लव पेट्स बट ये वाला जो खुजली वाला कुत्ता था ये कुछ ज्यादा ही जंगली था और सुनता नहीं था। तो बीएमसी की गाड़ी बुलाई और उसे पकड़वा दिया। सो फाइनली उसको भेज दिया। हाँ क्योंकि क्वीन को अपनी क्वीन को और अपनी मालकिन को छोड़ के सड़क की क्या सड़क की क्या रहा था क्या आगे सांग की सड़क पे और दूसरे जो डॉग्स होते हैं मुंह मार रहा था। हाँ वो सड़क की जो जो डॉग्स रहते हैं जिसमें खुजली रहती है उनको जख्म रहते हैं उसको कितना क्या 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 काट के ना बच्चों छोटे बच्चों को काटते हैं। तो वैसे डॉगीज कुतिया के पास उसके पीछे चला गया मालकिन को छोड़ के। नहीं आप किसी भी कहानी को किसी की कहानी से ना जोड़ें। ये केवल एक कविता थी कहानी थी।
ये सब एक कहानी थी जो रसरी जी ने बनाई थी कुत्ते की पार्टी से। देखो जब हम स्कूल जाते थे, जब हम नर्सरी में हुआ करते थे, तो ये सारी कहानियां मुझे सिखाई गई थी, सो मुझे याद आई तो हमने शेयर की। मेरी दोस्त है और देखिए आपको तो पता ही है कि मैं पेन में हूँ, कैसे भी हूँ तो मैं तो बीवी तो हुई हुई। देखिए मैं बीवी तो हुई और मैं एंड तक तो तलाक दूंगी नहीं, वो मुझे दे ना दे, मेरे साथ रहे ना रहे, आई डोंट नो। मेरा केस मैं ईमानदारी से लड़ूंगी उन सारी औरतों के लिए, है ना। और तो मेरा ये है कि उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, बहुत रोए थे, बहुत ये था वो था, मैं उसके मगरमच्छ के आंसू पे मैं नहीं जाती, मैं इसको जानती हूँ, ऐसे बहुत बार रोया है, मुझे नहीं फर्क पड़ता बाहर निकलने के लिए। हाँ मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ, अब मैं नहीं फंसूंगी झूठे आंसू पे। क्या बोलती हो बहन, कड़ी से कड़ा केस सब होने वाला है, अच्छा होगा। भाई क्या बोलते हो आप तो बोलो कुछ, क्या क्या पक्का हाँ बेर बुरा किया तो हो गई। वैसे स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी। कोई स्टोरी आप सुनाना चाहेंगे? नहीं, नहीं, वो जरूरी है ना। अरे मैं इतना काट रहा है, इतना काट रहा है इतनी दवाई कर रही हूँ हर टाइम, 8 महीने से माफ करे जा रही हूँ। अरे पूछा आगे दोपहर में आप गुस्से में नजर आ रही थी और इस वक्त आप खुश नजर आ रही हैं, उसका राज क्या है? दोपहर में आप बहुत बहुत अग्रेसिव लग रही थी, मैं लेट हो गई थी टिफिन लाने के लिए, तो खाना नहीं खाया था, इस वजह से थोड़े गुस्से में अग्रेसिव थे, अभी खा लिया, अच्छा फील कर रहा है। केस तो पति पत्नी का है, अब देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। न्याय चाहिए मुझे, सिर्फ न्याय, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा न्याय चाहिए। जो मुझे मेरा मुझे मारा पीटा है उसका उसको पनिशमेंट हो। क्या बोलती हूँ, और जो मेरे सारे पैसे लिए मेरे पैसे वापस दे, हैं अब कोर्ट दिलाए, कौन दिलाए, जो भी दिलाए दिला दो भैया। कोई मौलाना ऊपर से आ जाए मेरे लिए, कोई फरिश्ता वही दिला दो। मिलेगा ना भाई, मेरा बैंक पूरा खाली हो चुका है, कहीं का नहीं जोड़ा दिल ने मुझे सब कुछ। चलो 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 1 2 1 1 2 1 चलो।